नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। विधानसभा के पांचवें दिन की शुरुआत हुई प्रश्नकाल से। आबकारी नीति से संबंधित मुख्यमंत्री ने विधानसभा सदन में दिया वक्तव्य। प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में 804 करोड़ रुपए के भूमि मुआवजे वितरित। हिमगंगा योजना से आएगी प्रदेश में श्वेत क्रांति। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पांचवें दिन की शुरुआत आज प्रश्नकाल से हुई। प्रश्नकाल में विद्युत चलित वाहनों से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, हमारा लक्ष्य 2026 तक ग्रीन स्टेट बनाने का है। उसमें एक पार्ट इलेक्ट्रिकल है, दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन है, ग्रीन अमोनिया है। पूरी चर्चा, पूरे विचार विमर्श के बाद हमने 6 कॉरिडोर डिक्लेयर किए और जो एक कॉरिडोर है, जब हमने माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने अपने डिपार्टमेंट को इलेक्ट्रिकल करने की बात की थी और हमने रिज से इलेक्ट्रिकल डिक्लेयर किया था, उस समय हमने एक कॉरिडोर की बात की थी जो शिमला, परमाणु, नालागढ़, ढैर, टेरेस होते हुए उसका टेंडर अवार्ड कर दिया गया है उस ग्रीन कॉरिडोर का। और उसमें तकरीबन हमने बजट का प्रावधान कर दिया है और तकरीबन मेरा ख्याल है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने उसको 36 करोड़ का, जितनी HRTC की वर्कशॉप्स है उसमें हमने ये टेंडर अवार्ड कर दिया और अभी 31 तक वो टेंडर अवार्ड हो जाएगा और उसमें बजट का हमने प्रावधान कर दिया है। बाकी जो 5 कॉरिडोर बचेंगे, हम एक और स्टडी कर रहे हैं कि किसी कॉरिडोर को इकोनॉमिक कॉरिडोर, ग्रीन इकोनॉमिक कॉरिडोर डिक्लेयर किया जा सकता है, उस दृष्टि से भी हम आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे पहले इलेक्ट्रिकल बसेस चलाने से पहले मैं इस विधानसभा में ये एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे और उसके बाद जो हम बसेस खरीद रहे हैं, जैसे बसेस का हमारा इलेक्ट्रिकल का चार्जिंग स्टेशन बने हुए हैं, तो जो 1500 बसेस खरीदने का हमने बोला है वो मुख्यमंत्री जी उसमें लगे हैं और जो गाड़ियाँ हैं उनका भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मुझे मेरा यह मानना कि 6 महीने में ये तैयार हो जाएगा। एक और धर्मानी जी ने बात कही कि क्या इलेक्ट्रिसिटी की कमी आएगी, कहाँ से जो चार्जिंग स्टेशन है इसकी टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन चेंज होती है। अब बसेस का जो चार्जिंग स्टेशन होता है 30 KVA का चार्जिंग स्टेशन चाहिए, उतनी इलेक्ट्रिसिटी उसको चाहिए, छोटी गाड़ी के लिए कम चाहिए और जो स्कूटी होगी वो घर में चार्ज हो जाएगी। तो जो बजट में प्रावधान किया गया था वो पूरा प्रूडेंटली सोच के किया गया था कि जो बेटी स्कूटी लेके जाएगी तो रात को लगाएगी और सुबह चार्ज हो जाएगी, इसलिए इसके पे पूरी स्टडी की गई है। और इलेक्ट्रिकल बसेस वालों से भी 2-3 बार बैठक हो चुकी है, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी बैठक हो चुकी है। हमारा लक्ष्य टारगेटेड है, मिशन मोड पर हम काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो भी हमने बजट में प्रावधान किए हैं वो सब पूरे किए जाएंगे। प्रश्नकाल के उपरांत वर्ष 2023-24 के लिए आबकारी नीति से संबंधित सदन में वक्तव्य देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, मैं माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आबकारी नीति के अंतर्गत शराब की रिटेल दुकानों L2 एंड L14 का आवंटन ऑक्शन कम टेंडर के माध्यम से करने का निर्णय लिया। शराब की दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया दिनांक 16, 17 व 18 मार्च 2023 को रखी गई, जिसके फलस्वरूप सरकार को रिटेल दुकानों के आवंटन से पिछले वर्ष की तुलना में 40% अधिक राजस्व प्राप्त हुआ। ये व्यवस्था परिवर्तन है। पिछले वर्ष रिटेल दुकानों का आवंटन 10% के आधार पर रिन्यू कर दिया जाता था। अध्यक्ष महोदय, पिछले 4 साल से ऐसी व्यवस्था थी कि पुराने जो शॉपकीपर थे उनको 10% के आधार पर बढ़ाकर कर दिया जाता था। हमने उस नीति को बदला और व्यवस्था परिवर्तन किया और 40% का लाभ हुआ। पिछले वर्ष रिटेल दुकानों का आवंटन जो नवीनीकरण के माध्यम से किया गया था उस समय सिर्फ 1296 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ।
वर्ष 2023-24 के लिए ऑक्शन कम टेंडर के माध्यम से रिटेल दुकानों का आवंटन 1815 करोड़ रुपए में किया गया, जो कि पिछले वर्ष से लगभग 520 करोड़ रुपए अधिक है। पिछली सरकार द्वारा लगातार 4 वर्षों तक केवल 10% वृद्धि के साथ नवीनीकरण किया गया। अगर पिछले वर्षों में भी ऑक्शन कम टेंडर को अपनाया जाता तो राजस्व में बहुत अधिक वृद्धि आती। यदि इस वर्ष भी 10% वृद्धि के साथ नवीनीकरण की नीति अपनाई जाती, अगर इस वर्ष भी सरकार हम वो सोच लेते कि रिन्यूअल करना है, तो भी राजस्व में 370 करोड़ रुपए का नुकसान होता। नया करने के बाद राजस्व में 370 करोड़ रुपए का नुकसान होता। वर्ष 2023-24 की आबकारी नीति के अनुसार पहले 2357 करोड़ राजस्व का अनुमान था, परंतु रिटेल दुकानों के आवंटन में 40% की वृद्धि होने के कारण इस वित्तीय वर्ष में लगभग 2800 करोड़ रुपए से ज्यादा राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। इसके अलावा ये तो आ रहा है, जो हमने 10 रुपए मिलक सेस लगाया है, अंदाजन है कि हम 120-30 करोड़ रुपया मिलक सेस के द्वारा प्राप्त करेंगे, ताकि जो शाम को जो लोग बैठते हैं वो 10 रुपए सुबह उठ के दूध के लिए भी दें। ये व्यवस्था परिवर्तन है। सरकार द्वारा इस नीतिगत निर्णय से प्रत्येक यूनिट में कंपटीशन की वृद्धि हुई तथा एक पारदर्शी ट्रांसपेरेंट मैनर से ये ऑक्शन कम टेंडर हुआ है। ये माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता था स्टेटमेंट के माध्यम से। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, और ये व्यवस्था परिवर्तन है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को शिमला में प्रदेश में निर्माणाधीन विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने भूमि मुआवजा, वन अधिकार अधिनियम और वन संरक्षण अधिनियम की मंजूरी से संबंधित मामलों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं के समाधान पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए एक माह के भीतर 804 करोड़ रुपए की भूमि मुआवजे का वितरण करने के लिए अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने 27 मार्च 2023 तक लगभग 750 करोड़ रुपए के शेष मुआवजे के मामलों की वितरण प्रक्रिया को पूरा करने पर भी विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में सड़कें परिवहन का मुख्य साधन है। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुआवजे और स्वीकृतियों से संबंधित मामलों का निपटारा प्रतिबद्धता से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है, जिससे राज्य के लोगों के साथ साथ प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को बेहतर संपर्क सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को FRA FCA स्वीकृति संबंधी मामलों की हर 15 दिनों में निगरानी कर इनमें तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन मामलों में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए 27 मार्च 2023 को बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने शिमला मटौर सड़क, पठानकोट मंडी सड़क, शिमला बाईपास और पिंजौर बद्दी नालागढ़ सड़क की प्रगति की भी समीक्षा की और परियोजनाओं के निर्माण कार्य में गति लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहरू लठियाणी सड़क के लिए 900 करोड़ रुपए की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 20 फरवरी 2023 को केंद्र सरकार को प्रस्तुत की जा चुकी है और 31 मार्च 2023 तक इस परियोजना को स्वीकृति मिलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की सड़क व्यवस्था के सुधार और परिवहन क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए ये सड़क विकास परियोजना मददगार साबित होगी। इसके अतिरिक्त 31 मार्च 2023 तक सैंज लुहरी जलोड़ी सड़क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि जलोड़ी सुरंग के निर्माण के लिए एक सलाहकार नियुक्त किया जाएगा तथा नालागढ़ स्वारघाट सड़क, ऊना बाईपास और पंजाब की सीमा से नादौन तक सड़क निर्माण को शुरू किया जाएगा। ये परियोजनाएं क्षेत्र के आर्थिक विकास और स्थानीय लोगों को लाभान्वित करेंगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने पहले ही बजट में विकासोन्मुखी तथा सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए अनेक घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने हाल ही में पेश किए बजट में राज्य के दुग्ध उत्पादकों को लाभान्वित करने के लिए महत्वाकांक्षी हिमगंगा योजना शुरू करने की घोषणा की है। इससे प्रदेश में श्वेत क्रांति का सूत्रपात होगा और हिमाचल देश का दूध उत्पादक राज्य बनकर उभरेगा। प्रदेश में दूध आधारित अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए
मैं हिमगंगा नाम से महत्वाकांक्षी योजना आरंभ करने की घोषणा करता हूँ। इस योजना के तहत पशुपालकों को दूध की ट्रू कॉस्ट बेस्ड कीमत दिलाई जाएगी और दूध प्रोक्योरमेंट प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की व्यवस्था में गुणात्मक सुधार लाया जाएगा। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दूध उत्पादकों को दूध की कीमतों में क्षेत्रीय तथा मौसमी उतार चढ़ाव से बचाया जाए और विशेष रूप से गरीब वर्ग के लिए दूध उत्पादकों को दूध की उचित कीमत दिलाई जाए। हिमगंगा योजना के लिए मैं 500 करोड़ रुपए की राशि व्यय करने का प्रस्ताव करता हूँ। प्रथम चरण में यह योजना प्रदेश के कुछ क्षेत्रों के किसानों पशुपालकों को जोड़कर पायलट आधार पर शुरू की जाएगी। इसके परिणाम के आधार पर इसका विस्तार प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में किया जाएगा। हिमगंगा योजना को सफल बनाने के लिए प्रदेश में नए मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए जाएंगे तथा वर्तमान में स्थापित संयंत्रों को उन्नत किया जाएगा। दूध की प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक अधोसंरचना और आपूर्ति श्रृंखला को योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा। प्रदेश में दुग्ध उत्पादक सहकारी सभाओं का गठन किया जाएगा तथा इनके माध्यम से दूध व दूध उत्पादों का प्रभावी विपणन सुनिश्चित बनाया जाएगा। राज्य सरकार प्रदेश के पशुधन को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। इस दिशा में वर्ष 2023-24 में प्रदेश में 44 मोबाइल वैन के माध्यम से बेहतर पशु चिकित्सा सेवा आरंभ की जाएगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू सदैव ही किसानों और बागवानों के हित में निर्णय लेते रहे हैं। मुख्यमंत्री ने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परशोत्तम रूपाला को प्रदेश में दूध व्यवसाय संबंधी विभिन्न मुद्दों से अवगत करवाया था। नवोन्मेषी सोच के साथ जन कल्याण के लिए नीतियां और महत्वाकांक्षी योजनाओं को मुख्यमंत्री मूर्त रूप प्रदान कर रहे हैं। उनके इन्हीं निर्णयों के फलस्वरूप आज भी जन जन के नायक बनकर उभरे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से आज शिमला में पूर्व मंत्री श्री ठाकुर सिंह भरमौरी के नेतृत्व में जिला चंबा के पांगी क्षेत्र के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को क्षेत्र की विभिन्न मांगों के बारे में अवगत करवाया। प्रतिनिधिमंडल की उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया। और अब प्रदेश के मौसम पर एक नजर। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें Twitter @DPRHP, लाइक करें Facebook पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस संग में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।